संजय, मैं एक सवाल पूछना, लेकिन मुझे ये वैलिड सवाल है, ये वैलिड सवाल है, ये मैं एक चीज बताऊंगी। अरविंद केजरीवाल के साथ और कांग्रेस के मिले जुले के साथ जो खिचड़ी हुआ था, जो क्रैक मेंटल आदमी को हम लोग बैठाया था दिल्ली में, तो कुछ नहीं कर पाया। एक सेकेंड, नहीं तो धरना देते एक मुख्यमंत्री होके हर बात में वो कान का कच्चा है। आपको मैं बता रही हूँ, उसको अगर वो सही से ये शब्द मत बोलिए, कृपया शब्द। दीपक जी, मेरे ख्याल से स्तर बहुत गिर रहा है। दीपक जी, अच्छा, मैं इसको वापस लाता हूँ, थोड़ा हमने लैंग्वेज देखनी चाहिए। माफी चाहता हूँ उस लैंग्वेज के लिए, मैं माफी चाहता हूँ चैल साहब, लेकिन ये वैलिड सवाल है कि अगर इस तरह का खिचड़ी दिल्ली में बनता है फिर क्या होगा। अरे एक मिनट, दस साल आपकी गवर्नमेंट आई तो क्या हुआ? मैं ये कहता हूँ, मैंने एमपी को चुना अपने इलाके से, जो कि मुझे लगता है सेकुलर आदमी, तो अच्छी बात है। सुनिए, लेकिन वो उस पार्टी को बिलोंग करता है जिसने आज से एक साल बाद जाके कम्युनल डिसीजन ले लिया। तो वैसा तो ये भी हो सकता है कि मैंने भी बहुत बार ऐसे लोगों को वोट दिया था जिन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बनाया नहीं, तो ये तो भ्रम निरसन तो होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आप जवाब दीजिए ना, आप कह रहे हैं जो आप जवाब दीजिए। आपके मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को दिया था वोट और मुझे लगा कि वो राजाबाली जी, मैं उनको अभी भी बड़ा मानता हूं। उनने कैमरे में एडमिट किया है कि जो लोग समझ सकते हैं उनको ये समझ जाना चाहिए। किसको? ये चिट्ठी एंटी मोदी है, वी डोंट वांट मोदी, ये उनने टीवी इंटरव्यू किसने में कहा? टीवी इंटरव्यू में बोला अंजुम। मैंने तो देखा नहीं, तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। नहीं, आपने साइन किया उसको? मैंने एंटी मोदी साइन नहीं किया। मैंने एक मिनट, मुझे आंसरेबल नहीं है मिस्टर विवेक, आपको चिट्ठी भेजी, आपने साइन किया, उसमें नाम भी किया। मैं, आप मेरी इंटीग्रिटी पे क्यों बार बार डाउट करते हो? मैं जब कहता हूँ कि आई वॉन्ट अ सेक्युलर एमपी इन माई एरिया, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? डिबेट डिफाइन सेक्युलर, बिल्कुल सही है, यू आर राइट, डिफाइन सेक्युलर। अच्छा ठीक है, डिफाइन सेक्युलर होना चाहिए। आप बताइए, इसके बाद मैं आपके पास। भाई मेरा ऐसा मानना है कि मोदी एक अच्छा जनरल है, जब किसी भी आर्मी का जनरल अच्छा होता है तो उसकी फौज भी अच्छी होती है, लेकिन एक ऐसा जनरल जो कि 10 साल से साइलेंट होकर बैठा हुआ है और हम लोग उसके पीछे ब्लाइंड होकर पीछे जाते जाएं तो वो कहीं ना कहीं जाके खड्डे ही में गिराएगा। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो सोच है, हमारा जो माइंड सेट है उसको सेट करना है। अरे जनरल पाकिस्तान में होते हैं या जनरल नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? आर्मी का जनरल की बात कर रहा हूँ, कौन सी जनरल की बात कर रहे हैं आप? हाँ तो मैं भी उसी की बात, वहाँ मिलिट्री राज इंडिया में नहीं है, लोकतंत्र है कि जो आपकी सोच गलत है। अरे देश को चलाना है, फौज का अच्छा जनरल, वो जनरल नहीं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मिलिट्री राज सही होगा, रास्ता सही होगा, मार्ग सही होगा, देश एक ही पार्टी है जो आज बात कर रही है विकास के ऊपर, जो पूरा इलेक्शन लड़ रही है, जबकि ज्यादातर लोग जात पात या उसके धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। इससे भी पहले अगर आज लोग कहते हैं गरीबी हटाओ, लोगों ने कहा, जो अभी प्रेजेंट सरकार है वो कहती है साहब गरीबी हटाओ, लेकिन 65 साल से क्या वो लोग सो रहे थे? एग्जैक्टली, मैं यही बात बढ़ाना चाहता हूँ, इनकी बात बढ़ाना क्या 65 साल से सो रहे थे, कोई विकास नहीं किया देश के लिए? मोदी देखिए, आज कहते हैं कि साहब हर हाथ शक्ति, लेकिन वो जब उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर ये कह देता है कि साहब हम 22 पार्टियों की सरकार को 22 पार्टियों को लेकर एक सरकार चला रहे हैं, तो हम कैसे चला सकते हैं? हम बहुत हेल्पलेस हैं, हमारे ऊपर तरस खाइए। पैसा कोई मैं मशीन से नहीं पैदा कर सकता हूँ, पेड़ पे नहीं लगा सकता हूँ। सेकुलरिज्म की जो बात कर रहे हैं लोग, उनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जब हम छोटे थे, प्राचीन काल से इस देश में जितने भी लोग आए हैं उनको हमने बाकायदा सम्मान के साथ इस देश में रखा है, हमने कभी किसी का वो नहीं किया है। और आज जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें एक ही चीज सिखाई गई थी, सर्वधर्म सम्मान, और हम उसी सम्मान को लेके आपका प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमारे राजनेताओं ने सिखाया, अशोक जी ऐसा आप कह रहे हैं, हमारे राजनेता ने सिखाया कि सर ये तो सब सुहाग के स्कूल में अच्छा लगते हैं, चीज होती है संप्रदायिकता भी कोई चीज होती है। अगर सर्वधर्म ये बताना चाहता हूँ कि हम संप्रदायिकता को नहीं समझते हैं, हम यही समझते हैं सिर्फ एक ही बात कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक हिंदुस्तानी है। तनिषा, शुद्ध हिंदी तो नहीं आती है, पर काफी इम्प्रूवमेंट इंडिया में हुआ है बिकॉज ऑफ कांग्रेस,
क्योंकि राजीव गांधी जी ही जो मोबाइल यूज करते हैं, हम कंप्यूटर यूज करते हैं, आज आई थिंक राजीव जी की ही बदौलत हम ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। अगर आप गरीबी की बात कर रहे हो तो आई थिंक 10 से 15 साल में बहुत सी चीजें इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। और कांग्रेस एग्जांपल दीजिए ना, एग्जांपल सर, पर किस इम्प्रूवमेंट की बात करना चाहती हूँ इस बारे में, किस इम्प्रूवमेंट की बात कर रही हैं आप? नॉलेज कम हो तो थोड़ी नॉलेज बढ़ाकर, किस इम्प्रूवमेंट की बात कर रही हैं आप? ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, हम पिछले किस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं? आपसे आपसे सवाल पूछा जा रहा है तनिषा, कौन सा इम्प्रूवमेंट हुआ है बताइए आप मुझे। अभी जैसे आप मोदी जी की बात करें, मेरे ख्याल से आज के रेट में यंग यूथ की जरूरत है, उनको अभी थोड़ा यंग यूथ ज्ञान अधूरा है, यंग यूथ का मतलब हमेशा सही नहीं होगा, निकाल दीजिए। अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिले, सही मार्गदर्शन नहीं मिले, मैडम एक मिनट, यूथ यूथ बदल सकता है, एक घोटाला हिंदुस्तान में, वी नीड अ पर्सन। अच्छा आपको पता है यूपीए सरकार में कितने घोटाले हुए? आपको पता है यूपीए सरकार में कितने घोटाले हुए? एक घोटाला इतना बड़ा है कि देश चल जाएगा उसमें। आप बात तरक्की की कर रहे हैं, उसमें एक घोटाले में एक राज्य चल जाएगा, एक राज्य इतना बड़ा घोटाला है। एक सवाल है, चलिए पिछले सबको पूछा, हम पिछले 8-10 महीने से यही बहस सुन रहे हैं कि बीजेपी या कांग्रेस, बीजेपी या कांग्रेस, और कांग्रेस को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो बीजेपी पर और स्पेशली नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मान लिया कि कांग्रेस में कोई बुराई नहीं है और नरेंद्र मोदी में सारी बुराई है, लेकिन इसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, हमने उनको 10 साल एक दशक अपना देश सौंप के देख लिया, देश की क्या हालत हुई। चलिए आफ्टर बीजेपी जो पिछले 10 साल से भी है, हमने देख लिया देश सौंप के। और जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी को नहीं आना चाहिए, आप गुजरात देखिए और आप आज हिंदुस्तान देखिए, कांग्रेस को हमने 10 साल दिए, कांग्रेस ने क्या किया, तो एक मौका मोदी को देने में क्या बुराई है? एक मौका दिया जा सकता है, हम गुजरात को अगर कंपैरिजन करें। बीजेपी 10 साल पहले देश को एक न्यूक्लियर पावर बना के छोड़ा था। बात करते हैं दुनिया में, सर दुनिया में कितने देश हैं जो न्यूक्लियर पावर होने का क्लेम कर सकते हैं? हाईवेज और फ्लाईओवर सारे देशों में, वो तो पूरे बॉम्बे में भी फ्लाईओवर हाईवे बने। सेकंड थिंग, वो तो फ्लाईओवर, हेमंत पहले हेमंत सुनिए, फ्लाईओवर ये वो तो देश में पूरी जगह, लखनऊ में बने, हर जगह बने। हम बॉलीवुड वाले सेक्युलर है, हमें ऐसे, हम सारे भारतीय एक दूसरे के भाई बहन है, हम लोग दोस्त है, हम लोग क्यों आपस में राजनीति के लिए एक दूसरे को काट के कुर्सी के लिए कुछ भी करते हैं? तो हमारा बॉलीवुड सिर्फ सेक्युलर लोगों के साथ है, ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो हजारों का कत्ल करके देश का प्राइम मिनिस्टर बने, नहीं चाहिए ऐसा लीडर हमें। दीपक जी लीडर ऐसा होना चाहिए देश का, दीपक जी बात करूं मैं, इस देश में विकास की बात करें, आप प्रचार प्रचार की बात प्रगति करें, ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए जो विकास ना करे। रोज सुनते हैं प्रचार की बात, 2000 सर मैं आपको एक बात कहूं, मेरे यहां सारे मित्र हैं, मुकेश जी हैं, अशोक हैं, विवेक है, अभिजीत है, सारे ऋषिता है, बॉलीवुड कभी बटा नहीं था, बलराज साहनी साहब जो इतने बड़े कलाकार थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, कांग्रेस को राज कपूर ने सपोर्ट किया था, दिलीप कुमार ने किया था, देवानंद साहब ने 1977 के आसपास अपनी एक पार्टी खोली थी इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ने के लिए, शत्रु साहब एक पार्टी में है, राज बब्बर दूसरी पार्टी में, अमित जी एक पार्टी में थे, गोविंदा जी अलग पार्टी में थे, आज परेश रावल मेरे मित्र एक पार्टी में है, तो स्मृति ईरानी एक पार्टी में है, नगमा दूसरी पार्टी में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बट गए हैं वगैरह, हमारे विचार, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, पर उन ये सब लोगों ने किसी पार्टी को सपोर्ट किया था, लेटर नहीं लिखा था उन्होंने, पिटीशन नहीं लिखा था। आपको आपको इतिहास पता नहीं है, आपको इतिहास पता नहीं है, आप बताइए किसने लेटर लिखा था? राज कपूर ने लिखा था, बलराज साहनी ने लिखा था, देवानंद साहब ने भी एक नेशनल पार्टी बनाई थी, एक मिनट, पार्टी बनाई थी ना, आप भी पार्टी बना लीजिए, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े थे, सुनिए तो सही, हमको भी कोई ऐतराज नहीं होगा, आपने पिटीशन लिखा, तीस्ता से तलवार का साइन करवाया, अपील को पिटीशन क्यों बोल रहे हैं भैया हम आपको? अपील और पिटीशन, अच्छा एक काम कीजिए, अच्छा आपको प्रॉब्लम है ना इस अपील से, आप कम्युनल को वोट कीजिए, बस चलो झगड़ा खत्म। मेरा वोट निकल गया, दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी,
सेक्युलर वर्ड से प्रॉब्लम क्या है? सेक्युलर और कम्युनल की बात आपको बता दूं, जब यहाँ पे नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो यहाँ के कुछ लोग वो नरसिम्हा राव के पास भी चले गए थे, ये कहने के लिए कि महाभारत रामायण और चाणक्य जैसे सीरियल टेलीविजन पे नहीं दिखाने चाहिए क्योंकि इससे सांप्रदायिकता आती है। इसने कहा जिस काव्यों को, अरे सर पूरी की पूरी यहाँ से टीम गई थी नरसिम्हा राव को मिलने के लिए, जिसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि यहाँ पे जो झंडे दिखाए जा रहे हैं चाणक्य के अंदर, ये सारे बात कर रहे हैं कांग्रेस के, कांग्रेस के, कांग्रेस के काव्य, कांग्रेस के टाइम संस्कृति रामायण महाभारत आई थी और राय मासूम रजा ने लिखी थी, कैसी आप बात कर रहे हैं? हम अपनी जब संस्कृति दिखाते हैं, राजीव गांधी पीएम थे तब महाभारत रामायण आया था और उसमें राय मासूम रजा ने लिखा था, आप क्या बात कर रहे हैं? कम्युनल है, अब इस बात की ताली आप उसकी बात नहीं करिए, हमने ये कहा कि उसको बंद करवाने के लिए लोग गए। अरे तो ऐसे लोग हो उसका तो मतलब क्या है? नहीं है हमारा देश का काव्य, हमारी हमारी इज्जत, साहिर लुधियानवी साहब ने अच्छे भजन लिखे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दो आदमी की बातें कर रहे हैं। अरे अरे सर एक बात करिए, सब लोगों से कहता हूँ, आग्रह करता हूँ और अपील करता हूँ कि विकास मुद्दे पर एक हो ये और देश में एक चेंज लाना है तो चेंज लाएंगे। आप एक सवाल पूछना चाहते हैं? जी जी आप मितुल जी, अभी आपने दीपक जी का, प्रदीप जी ने बहुत अच्छे गीत लिखे थे, तो अपील करना चाहती हूँ मेरी तरफ से एक और अपील कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के मेरे पिता ने लिखा था और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, आप लोग सब बच्चे हैं मेरे पिता के, तो इस देश को संभाल के रखिए और अंदर अंदर झगड़े मत करिए, बॉलीवुड एक रहे चाहे अंदर के कितने भी डिफरेंसेस हो लेकिन सामने मतभेद को मत लाइए, अंदर से एक रहिए और किसी को भी वोट दीजिए। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, नॉट कि सिर्फ मेरे बच्चों। सब तुम्हारे बच्चे नहीं है सर, जो हम कम्युनल है किनके बच्चे संभाल रहे हैं? एक मुद्दे पर बात करिए, कौन से बच्चे संभाल रहे देश को? हम लोग यहाँ बैठ कर, हम लोग यहाँ बैठ कर, मैं एक बात करूँ, उसमें नहीं है सिर्फ कुछ ही बच्चे संभाल रहे हैं। नहीं नहीं आप बच्चे नहीं है क्या? मैं एक देश को रखना एक आपने एक अपील की, एक इंसान सिर्फ नेता तो नहीं संभालेगा। अभिजीत जी आप गलत, आपने सही कहा गाना, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ मुकेश जी, मैं प्रदीप जी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त हम यहाँ बैठ कर बॉलीवुड की फिक्र कर रहे हैं या देश की फिक्र कर रहे हैं? हम वाई आर वी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस? सुनिए ये न्यूज क्रिएट हुई है कि बॉलीवुड बट गया है, अब यहाँ प्रूव हुआ है कि बॉलीवुड नहीं बटा, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि देश का क्या होगा, तो देश का क्या होना चाहिए उस पर बात कीजिए। ये छोटी छोटी बातें कि मैंने लेटर लिखा, पेटिशन लिखा, क्या किया, भूल जाइए उसको, किसने क्या किया तो उसको भूल जाइए। आज वो देश नहीं है जो प्रदीप जी के वक्त पे था, आज वो देश की हालत नहीं है जो प्रदीप जी के वक्त पे था, आज हमारा देश उस काम से गुजर चुका है जहां पर हर सिटीजन को ये देखने की कोशिश होनी चाहिए कि कौन सही है। शकुनी के भांजों को पहचानने की जरूरत है पुत्र, यही तो बात है। देखिए 63 साल तक हमने अपने देश को देख लिया है, देश में कुछ नहीं हुआ है, कुर्सियां बदली हैं, नेता बदले हैं, अपोजिशन पार्टी बन गया है, पार्टी अपोजिशन बन गई है, देश वहीं का वहीं खड़ा है। मुकेश जी मैं एक बार बताता हूँ, मैं क्यों नरेंद्र मोदी जी की बात करना चाहता हूँ, बताइए कौन सा नेता इस पूरे हिंदुस्तान में है जिसमें कोई नवीनता है, जिसमें कोई नवीनता है, चाहे चाहे आप अडवाणी जी को कह दीजिए, सोनिया गांधी को कह दीजिए या आप लालू यादव को कह दीजिए, हमने देख लिया सबको। आज देश में एक ऐसा इंसान चाहिए जिसमें थोड़ी सी नवीनता हो, वो आपको कुछ दे सकता है, बाकी ये जितने नेता बैठे हुए हैं ये आपको घुमाते रहेंगे। चलिए मेघा कुछ कहना, भीष्म पितामह कभी सिंहासन पर नहीं बैठे थे। मेघा ने अब तक कुछ नहीं बोला। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जातिवाद की राजनीति होनी नहीं चाहिए, जो भी जातिवाद की राजनीति करते हैं उनको वोट ही नहीं देना चाहिए। जैसे कि मोदी जी हर जगह रैली प्रचार में जाते हैं तो डेवलपमेंट की बात करती है कि मैंने गुजरात 2400 घंटे बिजली दी है, मैंने हर हर गांव में सड़कें बनाई है, मैंने वहां 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, इसकी ये बातें करनी चाहिए ना। मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, ये सब जो बात करते हैं वो सबसे घटिया बात करते हैं। आपको आपने देखा होगा कि हमारा इतिहास है, इतने सालों में कांग्रेस ने राज किया है तो क्या डेवलपमेंट किया है? आज की डेट में मैं जो अब्रोड जाती हूँ तो हमारा देश एकदम पीछे लगता है। तो हमारा मुंबई की बात करो, हमें कितना ट्रैफिक में स्टक होना पड़ता है, आज यहाँ आने के लिए मुझे 1 घंटा लगा। तो ये सब चीजें डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है? हमारे देश में सिग्नल ठीक से नहीं चलते हैं। तो पहले तो हमें सिस्टम ठीक करना चाहिए, जो सिस्टम में इतनी करप्शन पैदा हो गई है क्योंकि ऊपर जो बैठा है वो बराबर हैंडल नहीं कर रहा है चीजें। जब हैंडल नहीं कर रहा है तभी ये समस्या है ना। तो समस्या
का समाधान करने की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, जातिवाद की नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारे बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग प्यार से रहते हैं और सब लोग मिलजुल के काम करते हैं और अच्छी फिल्म बनाते हैं। ऐसे ही राजनीति में होना चाहिए कि अच्छे से गवर्नमेंट चलाए और डेवलपमेंट की बातें करें। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तो बात बहुत बाद में आती है। दीपक जी, हम ऐसी बात कर, मुझे कहना है एक चीज करनी है, बहुत बोली आप, मेरा हिंदू मुस्लिम एक चीज कहना है, दीपक जी माफ कीजिएगा, एक्चुअली एक एक यहां पे देना पड़ेगा, एक आंदर और सब बीमार हो गया, मोदी एक है और सब बीमार हो गया। यही बोल रहा है, शुरुआत मुझसे हुई थी, अब कुछ मैं इतनी देर तक खामोश रहा हूं, सबकी बातें सुनी, अब मुझे सिर्फ आखिरी चलते चलते सिर्फ एक ही बात करनी है कि मेरा मुल्क जो है बहुत विशाल बहुत मजबूत मुल्क है, रूहानी तौर पर ये कम्युनल मुल्क नहीं है, ये सेकुलर मुल्क है। जो सबसे आश्चर्यजनक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ, मेरे बाप की फिल्म पाकीज़ा जो सन 1972 में लगी थी, वो शुरुआत में हर कोई जानता है कि वो ठंडी हुई, लेकिन उसकी कामयाबी का सहरा अगर किसी किसी सूबे को जाता है, किसी जगह को जाता है, तो वो गुजरात को जाता है। वो प्रकाश थिएटर था, प्रकाश थिएटर अहमदाबाद का, जहाँ पर के औरतों की, महिलाओं की, हर किस्म की साड़ियों की, बुरकों की, और वो ऐसे इतनी सुपर हिट फिल्म हुई थी वो वहां, और वहां से शुरुआत हुई उसके कामयाबी की, और वो कामयाबी ने सारे मुल्क में दहलका मचा दिया। ये बात सिर्फ पाकिस्तान पे ही बात खत्म नहीं होती है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इवन मुगले आजम, मेरे महबूब उमराव जान, आप पिक्चरें देखिए। अच्छा, हम वो छोड़िए, हमारे खुद के, मैं क्यों कहता हूँ कि मेरा मुल्क सेकुलर है, मैं क्यों कहता हूँ कि मेरा मुल्क ठीक है ताजदार साहब, हम आपकी बात समझी, आपकी बात समझी, लेकिन अभिजीत और पलक हमारे साथ हैं, पलक इस देश के लिए गाना हो जाए ताकि ये मैसेज जाए कि बॉलीवुड बटा नहीं है, और उसके बाद अभिजीत दा के चेंज आए। बिल्कुल, जिस देश की छवि लोग सब देखते हैं उसी से जुड़ा हुआ गीत। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अभिजीत